पहले तो हमें जेक्यूरी की लाइब्रेरी चाहिए, तो मैं यहाँ अपना सॉल्यूशन जो है इसके अंदर वो लाइब्रेरी ऐड करवा रहा हूँ। सेलेक्टर्स पे हमारी बात हो रही थी और हमने ये देखा था कि जेक्यूरी के अंदर आप डॉलर के अंदर कोई टैग का नाम लिख सकते हैं, या आप हैश के साइन के थ्रू लिख सकते हैं, या डॉट करके, क्लास करके, या आप अगर स्पेसेस देके करते हैं तो उसका क्या मतलब है कि ये एलिमेंट वेब पेज के अंदर मौजूद है। अच्छा, पहले तो काम हम ये करेंगे जनाब के खोल दिया मैंने। पहले तो हमें क्या चाहिए, जेक्यूरी की लाइब्रेरीज, तो पहले हम लाइब्रेरीज ऐड करवाएंगे इसके अंदर। ये भी मेरी तरह चल रहा है कुछ। तो ये हमें जे क्यूरी की लाइब्रेरी मिल गई। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि किसको किस तरीके से आपने यूज़ करना है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मैं HTML का एक पेज ऐड कर रहा हूँ। ये HTML का पेज आ गया। सिलेक्टर्स अभी तक हमने डिस्कस किए थे वो ये सिलेक्टर किए थे, तो ये वाला जो सिलेक्टर है अगर आपको याद हो तो ये सिलेक्टर क्या सिलेक्ट करेगा, ये सिलेक्टर कौन से टैग को सिलेक्ट करेगा, जो सबसे नीचे नेविगेशन के टैग को सिलेक्ट करेगा। कौन सा टैग सिलेक्ट करेगा वही है। ये असल में एक टैग को सिलेक्ट करेगा जिसकी क्लास क्या हो, नेविगेशन। सही है, वो ए जिसकी क्लास नेविगेशन हो और वो चाइल्ड हो किसका, LI का, और वो किसका चाइल्ड हो, UL का, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो चाइल्ड है LI उसका एक चाइल्ड होना चाहिए क्या, ए जिसकी क्लास होगी डॉट नेविगेशन, वो जो है उसको सिलेक्ट करेगा ये। तो सिलेक्शन यहाँ पे ए की हो रही है। उस ए की खास बात ये है कि उसकी क्लास क्या होनी चाहिए, नेविगेशन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक टेबल है और टेबल के अंदर एक TR है, TR में TD है, TD के अंदर एक इधर div है, div के अंदर एक और टेबल है, उसमें TR है, उसमें TD है और उसमें एक अदद पैराग्राफ है, हो सकता है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज अ, अब अगर मैं यहाँ इस पैराग्राफ को एक्सेस करूंगा बाय यूजिंग jQuery, देखिए मैं यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी
फंक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डॉलर, और इसके अंदर जो है मैं सिंपल पी लिख देता हूँ, तो इससे तो सारे पी सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डिव स्पेस पी, तो इसका क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब है इसका? हाँ, वो तमाम पी जो कि डिव का चाइल्ड है उनका फॉरग्राउंड कलर क्या कर दो? रेड कर दो। ये कोड कब चलेगा? कब चलेगा? जब डिव चलेगा। हाँ, कब चलेगा? डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। लिहाजा अगर आप इस कोड को रन करके देखना चाहें तो फौरन इसका आउटपुट आपको नजर आ जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं? मैं आज नींद में हूँ, मुझे बताते रहना। तो यहाँ पे जो है यही बनाया था हमने, कौन सा बनाया था यार? हाँ ये था, तो डिलीट करो। तो ये HTML पेज है हमारे पास, इसको हमने ओपन कर लिया। दिस इज अ पैराग्राफ, यानी कि वो पैराग्राफ एक्सेस हो गया, जो कि किसका चाइल्ड है? डिफ का चाइल्ड। स्पेस का मतलब है कि पी शुड बी चाइल्ड ऑफ डिफ, ये डिफ पेरेंट होना चाहिए। लेकिन अगर स्पेस की जगह मैं ग्रेटर देन लिख दूं, स्पेस की जगह ग्रेटर देन अगर आ जाए, तो अब इसका मतलब हो जाता है डायरेक्ट चिल्ड्रन। यानी अब अगर आप इस पेज का आउटपुट देखेंगे तो अब ये रेड नहीं है। रेड क्यों नहीं है? इसलिए कि पी जो है वो डिफ का डायरेक्ट चिल्ड्रन नहीं है, ग्रैंड चिल्ड्रन है। यानी कि पी एक्चुअली डायरेक्ट चिल्ड्रन किसका है? टीडी का। समझ में आ रही बात? तो पहले जो बात थी स्पेस की, उसमें वो पेरेंट हो, ग्रैंड पेरेंट हो, ग्रैंड पेरेंट का ग्रैंड पेरेंट हो, डजंट मैटर, लेकिन पेरेंट होना चाहिए। तो डिफ तो पेरेंट था पी का, लेकिन बीच में टेबल टीआर और टीडी का टैग भी आ रहा था। लेकिन अब चूंकि मैंने ग्रेटर देन लिख दिया, लिहाजा अब डिफ को इमीडिएट पेरेंट होना चाहिए, इसका डायरेक्ट पेरेंट होना चाहिए, पी को डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए जब सेलेक्ट होगा। तो यहां पे अगर मैं टीडी लिख के ऐसे लिखूंगा तो फिर अब कलर रेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सही है? मेरी बात समझ में आ रही है? चले, इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। अब ये क्या चीज़ है? आप लोगों को याद होगा कि हमने एक फॉर्म बनाया था पिछली क्लास में, ठीक है ना? और उस फॉर्म के अंदर हमने डिफरेंट टाइप के इनपुट्स रखे थे। तो जैसे कि यहाँ पर जो है ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ इनपुट टाइप्स लिख देता हूँ, ये टेबल के ऊपर बना देते हैं। मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, क्या होगा इससे? टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। फिर मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, बटन बन जाएगा। मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, तो रेडियो भी बन गया जनाब। अब अगर यहां पर मैं एक सिलेक्टर यूज करूं और सिलेक्टर के अंदर मैं इस तरीके से कह देता हूं जनाब इनपुट, सारे इनपुट सेलेक्ट होकर आ जाएंगे। सही है ना? जैसे आप क्या करेंगे जनाब, उसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो क्या कर दें? क्या कर दें? क्या करें भाई? चलें ब्लू कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। तो आपको आउटपुट में क्या नजर आएगा? ब्लू कलर का टेक्स्ट बॉक्स, ब्लू कलर का बटन और रेडियो बटन। तो जाहिर है क्या उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा बेचारे का? छोटा सा तो है। यहाँ पे हम चाहें तो BR यूज कर लें, लाइन डिफरेंट हो जाएगी। ये इसका आउटपुट आपको नजर आएगा। अच्छा, आप बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ इनपुट,
जब आप किसी के टैग का नाम लिखते हैं तो वो सारे टैग सेलेक्ट होकर आ जाते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी एलिमेंट को उसके किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की बेसिस पे सेलेक्ट करें, तो फिर आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू ये काम कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, तो आप कह रहे हैं कि उस इनपुट को सेलेक्ट करो जिसके टाइप एट्रीब्यूट में क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। लिहाजा अब ये सिर्फ सिर्फ उस इनपुट को सेलेक्ट करेगा जिसके टाइप एट्रीब्यूट में क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट। बटन को अब ये सेलेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ किसको सेलेक्ट कर रहा है, किसको सेलेक्ट कर रहा है, इसका इसका टाइप टेक्स्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, देखिए आपने क्या किया, आपने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। अब जैसे कि हमारे पास मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, सही है, और जाहिर है हर एक के अंदर टाइप एट्रीब्यूट है। जरूरी नहीं है कि आप टाइप एट्रीब्यूट से एक्सेस करना चाहें, आप आईडी से भी कर सकते हैं। जैसे इसकी आईडी है टीएक्सटी नेम, और इसकी आईडी है टीएक्सटी नेम वन, इसकी आईडी है टीएक्सटी नेम टू, और इसकी आईडी है टीएक्सटी नेम थ्री। तीन टेक्स्ट बॉक्सेस है, तो ये जो तीनों मेरे पास, चार मेरे पास अब टेक्स्ट बॉक्स हो गए, तो ये चारों के चारों को ये सिलेक्टर सेलेक्ट करके ले आएगा, क्योंकि इसने क्या लिखा हुआ है जनाब, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, चारों टेक्स्ट बॉक्सेस के कलर क्या हो गए, ब्लू हो गए। एक मिनट यार, अच्छा अब बेसिकली यहाँ पर जो है ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखने से सारे टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट होकर आ गए। अब यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ आईडी, और इधर मैंने लिख दिया टीएक्सटी नेम, तो अब क्या होगा, वो इनपुट टाइप सेलेक्ट होकर आएगा जिसके आईडी एट्रीब्यूट में टीएक्सटी नेम लिखा हुआ है, सबसे पहला वाला, सही है। ये काम आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, आईडी के लिए क्या यूज करते हैं, हैश, हैश के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन आईडी तो एक्चुअली एक एट्रीब्यूट भी है ना, तो ये वाला तरीका भी है। मेरी बात समझ में आ रही? हाँ भाई। अच्छा अगर मैं यहां लिख दूं आईडी नॉट इक्वल्स टू टीएक्सटी नेम, बाकी तीन हो जाएंगे। आपने कहा इनपुट आईडी इज नॉट इक्वल टू टीएक्सटी नेम, सही है। आपने कहा स्टैटिक इक्वल्स टू टीएक्सटी नेम, आप देखें क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जिसके नाम में टीएक्सटी नेम आ रहा हो, आप इक्वल्स टू टी भी कर देना अगर, तो आप जिसकी आईडी में टी आ रहा होगा कहीं भी आ रहा हो, देखिए सबकी आईडी में टी आ रहा है ना। और अगर मैं यहां पर जो है वो आईडी में फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ ए, तो अब ए तो किसी की आईडी में भी नहीं है, लिहाजा ये क्या करते हैं इसमें, हाँ ए है तो सही, दिमाग चल रहा है मेरा, एस नहीं है, चले देखिए एस किसी की भी आईडी में नहीं है। तो मैंने क्या क्या लिखा, एट्रीब्यूट लिखा, नॉट इक्वल्स लिखा, सही है। तो आप किसी भी एलिमेंट को इसके थ्रू सेलेक्ट करवा सकते हैं जी, करवा लें, करवा लें, दो टेक्स्ट बॉक्स क्यों सेलेक्ट करवाएंगे आप। देखिए सिलेक्टर तो आपका ऐसा होना चाहिए जो कि जो कुछ भी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं सिलेक्ट करके लिया। मसलन मैं चाह रहा हूं कि इसमें से शुरू के दो सिलेक्ट करूं और बाकी दो ना करूं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं माई एट्रीब्यूट इक्वल्स टू, और इसमें लिख दिया इसरार। अब इस नाम का एट्रीब्यूट जो है वो इनपुट में है ही नहीं, ठीक है,
लेकिन यहां पे अगर मैं लिखूंगा माई एट्रीब्यूट इक्वल्स टू इसरार, तो ये सेलेक्ट करके इन दोनों को ले आएगा। सही है, ये क्या कर रहा है, ये एचटीएमएल वैलिडेट नहीं कर रहा है, ये तो उस टैग में जाके उसके एट्रीब्यूट देख रहा है, एट्रीब्यूट तो कुछ भी हो सकता है। सही है, ये भी इसका एट्रीब्यूट है लेकिन ये ब्राउजर को नहीं पता क्या है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ब्राउजर इसको समझेगा एट्रीब्यूट क्योंकि लिखा हुआ इस तरीके से, इसकी कोई लैंग्वेज या ग्रामर तो है नहीं। सही है, हमने कोई इसके रूल्स तो बना नहीं रखे, इसकी कोई ऑटोमेटा थ्योरी हमने नहीं बनाई हुई, लिहाजा इसमें जो दिल चाहे करो भाई। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपने क्या करा, टैग का नाम लिख के उसके किसी भी एट्रीब्यूट के थ्रू आपने उसको सिलेक्ट करवा लिया। सही है, चलिए ये लिखा हुआ ए फर्स्ट। ए फर्स्ट क्या चीज है जनाब, ए फर्स्ट या ए फर्स्ट से क्या होगा कि वेब पेज के अंदर वो जो टैग जितनी दफा आया हुआ है वो टैग आपको सिलेक्ट होकर नजर आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है वो एक और एचटीएमएल का पेज बना रहा हूँ और इसके अंदर हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल के अंदर हमने बना ली जनाब टी आर, टीडी के अंदर हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा नेम, और यहाँ पे जो है वो हमने लिख दिया जनाब टोटल मार्क्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टी आर और बना दी। अब मैंने इसमें स्टूडेंट का नाम लिखा, स्टूडेंट का नाम है जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ भाई कोई नाम बताओ मुझे, वकास। तो वकास मैंने नाम लिखा और इसके नंबर कितने लिखूँ भाई, 100 में से 100 तो मेरठा कभी नहीं आते, 33 कर दूं, चलो 5 काफी है। अब यहाँ पे जो है वो पहला स्टूडेंट वकास, उसके 5 नंबर आ गए। ठीक है, दूसरा कौन है भाई, एहतिशाम, इसको भाई आप अच्छे कर दे यार, याद करेगा। और फिर हाँ तीसरा का क्या नाम है भाई, ना बताओ क्या, वैस, वैस भाई के 3 नंबर। अब इसका अगर आप आउटपुट देखेंगे तो क्या नजर आएगा आपको, ये आउटपुट है इसका। ठीक है, सिंपल टेबल है। अब देखिए मैं यहां पर जो है वो जेक्यूरी यूज कर रहा हूं, आप लोगों ने घर जाके प्रैक्टिस करी थी, हाँ नहीं करी थी, चले अच्छी बात है। अब यहां पे जो है मैं लिख रहा हूं डॉलर, और यहां पे लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, फंक्शन ओपन क्लोज। अब देखिए मैं यहां पर जो है वो सबसे पहला काम ही कर रहा हूं कि अगर मैंने यहां पे लिखा डॉलर और उसके अंदर लिख दिया टेबल, टेबल सेलेक्ट होकर आ जाएगा। मैंने लिखा सी एस एस, अरे मेरी सुन लो यार, वैसे मेरी कोई नहीं सुनता, वेट इक्वल्स टू 100%। ठीक है, इससे क्या होगा, हाँ किसकी वेट 100% हो जाएगी, अब एक ही टेबल है उसकी वेट कितनी हो गई 100। अच्छा, उसके बाद जनाब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर और फिर मैंने लिखा टी आर। सही है, और फिर मैंने लिखा टी आर सी एस एस, और इसमें मैंने लिख दिया जनाब बैकग्राउंड और कोई कलर मैं डिफाइन कर देता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया लाइट ब्लू। सही है, लिहाजा आप इसका आउटपुट देखेंगे तो सारी टी आर का कलर क्या हो गया, लाइट ब्लू। सही है, अब हमारे पास जेक्यूरी जो है ना वो बहुत सारे ऑप्शंस देती है।
क्या ऑप्शन देती है? अगर मैं यहां पर इसके बजाय इस तरह लिखूंगा ना, तो ये तो सारी टी आर सेलेक्ट हो रही है। अगर मैं यहां पर जनाब टी आर के बाद कोलन करके ऐसे लिख दूं, फर्स्ट पहली टी आर सेलेक्ट होकर आ जाएगी, तो बैकग्राउंड किसका चेंज होगा? सही है। अगर मैं यहां लिख दूं, क्या लिखूं यार, अगर मैं यहां लिख दूं टी आर कॉलन लास्ट, अब क्या होगा? आखिरी टी आर सेलेक्ट होकर है। सही है। मैं इसको भी अनकमेंट कर देता हूं, इसको भी अनकमेंट कर देता हूं, और यहां पे बैकग्राउंड कलर कर देता हूं लाइट ग्रीन, और इसको ले देता हूं। अब क्या होगा? देखिए सारी टीआर का कलर बैकग्राउंड कलर रेड है, नहीं लाइट ब्लू है, और पहली और आखिरी का क्या है? लाइट ग्रीन है। क्या होगा? पहली और आखिरी का क्या कलर होगा? ये ध्यान में रखिएगा, jQuery भी जावास्क्रिप्ट ही है, लिहाजा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है। तो क्योंकि पहले ये लाइन आखिर में चलेगी, लिहाजा इसका इफेक्ट ओवरराइड कर देगा पिछले इफेक्ट्स को। सही है। पहली और आखिरी का कलर क्या हो गया? लाइट ग्रीन हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? अब यहां पे आपके पास नंबर ऑफ टी आर कितनी है ये डिपेंड करता है। अभी तो तीन थी, चार थी, इसमें से ये जो नीचे वाली तीन है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मल्टीपल कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है वो सिर्फ सिर्फ आपके जो है वो तीन चार के लिए काम करेगा। अब जितनी भी टी आर टी डीज होंगी उसके हिसाब से पहली का कलर क्या होगा? ग्रीन। और आखिरी का क्या होगा? क्या होगा भाई? आखिरी और पहली का ग्रीन होगा और बाकी सबका लाइट ब्लू। अच्छा, और इसी तरीके से आपको jQuery ऑप्शन देती है कि कोई भी टैग, अच्छा ये जो फर्स्ट और लास्ट है ना, ये आप लगाएंगे ऐसे टैग के साथ जो कि रिपीट हो रहा हो, मल्टीपल टाइम्स हो। अब एक ही, अब टेबल के साथ अगर मैं फर्स्ट एंड लास्ट लगा दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? एक ही टेबल एक है ना, लेकिन टी आर है या टी डी है उसके हिसाब से देखना पड़ता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यहां पर जो है वो लिख देता हूँ ऑड, ऑड नंबर में टी आर, ठीक है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन नाइन्थ इलेवन ऑड नंबर, तो यहां पे आपको और कलर देना है लाइट ऑरेंज। ये भी कोई कलर होता है? लाइट ग्रे, लाइट ब्लैक। ये ऑड से क्या हुआ? देखें ये ऑड, ये जीरो तो रहा है, ये वन है, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है, तो ये इसने ऑड रॉस को क्या कर दिया? ग्रे कर दिया। अगर ये जो पहली वाली रो है इसको मैं, ये जो सब पे मैंने लगाया था ये हटा देता हूँ, तो जाहिर है वो इवन वाली आपको व्हाइट नजर आएगी। तो आप चाहें तो इवन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन पे रेड दे दूं, बहुत हो गया, लाइट रेड तो होता ही नहीं है, हैं? बेटा बात ये है कि ये जो लाइट रेड नहीं है ना, इसकी जगह कोई ना कोई कलर होगा, हाँ पिंक या इस तरह का कोई कलर होगा, और कलर हमें याद तो होते नहीं है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत क्या है? अब ये क्या हुआ भाई? क्यों? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही है, तो सबसे आखिर में ये है, तो ये बॉस है, इसकी चलेगी, बाकी सब ओवर राइट। हाँ, तो
बिल्कुल सेकंड से, लेकिन जीरो भी तो इवन में आएगा ना, जीरो को आप ऑड में रखेंगे इवन में रखेंगे? आप बताएं, जीरो को ऑड में रखेंगे इवन में रखेंगे? नहीं, इवन और ऑड का रूल क्या है, जो चीज टू से डिवाइड हो जाए यानी कि जिसमें रिमाइंडर जीरो आ रहा हो वो इवन है, तो जीरो को भी आप टू से करेंगे तो रिमाइंडर तो जीरो ही आएगा, सही है? तो जी नहीं, जीरो इवन नंबर नहीं है, मैं सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लॉजिक जो है वो इस तरह की होती है। अच्छा, अब ये हम ये कर देते हैं कि लास्ट और फर्स्ट जो है वो हम एंड में रख देंगे, सही है? तो अब आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का आएगा। ठीक है, तो अब जो है वो आपको वो वाली कंप्लेन नहीं होगी कि भाई जीरो का क्यों चेंज हो रहा है या आखिरी का क्यों नहीं हो रहा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक रो में मल्टीपल रेडियो बटन्स हैं और इसको जेपीईजी के थ्रू हैंडल करना कि एक का क्लिक हो तो दूसरे तक का मतलब जो है एनेबल फॉल्स हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। आप कैसे करेंगे जनाब? देखिए, यहाँ पर हम एक नया पेज बना रहे हैं, पहले तो मैं